मेरी आवाज कहाँ तक आ रही है बताओ? दिल्ली तक। सुनो, एक मिनट, शेर भी जानवर होता है, मैं इंसान हूं, इंसानों के दुख दर्द को समझता हूं, गरीब का बेटा हूं। मैं तुम्हें अपने बारे में कह रहा हूं, अगर हम हमारा दल संपन्न होता तो आज मेरे भाई जमीन पे नहीं बैठे होते, मेरी बात को याद रखना। अगर हमारा दल संपन्न होता तो यहां टेंट लगा होता पूरा बड़ा, एसी के एसी लगे होते उसमें कि तुम्हें गर्मी ना लगे और बढ़िया कुर्सी बिछी होती। हम यहाँ जमीन पे क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमें जमीन की लड़ाई जमीन से लड़नी है। अभी हमें अपनी लड़ाई जमीन से लड़नी है। कल समय बदलेगा, आपके लिए भी साधन और अवसर तैयार होंगे, लेकिन कब होंगे? जब राजनीतिक शक्ति आपके पास आएगी। जब बाबा साहब ने आपको कहा कि इस वोट के जरिए आप अपनी गुलामी की बेड़ियां काट सकते हो, क्यों नहीं काट रहे हो बताओ? क्या आप गुलाम बने रहना चाहते हो? कितने लोग हैं जो गुलामी की बेड़ियां काटना चाहते हो? हाथ खड़ा करो। वो जो उधर खड़े हैं वो गुलाम रहना चाहते हैं क्या? दोनों हाथ खड़े करो जो लोग गुलामी की बेड़ियां काटना चाहते हैं। देखो, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी। क्यों भाई, तुझे किसी ने पैसे वैसे दे दिए क्या हमारे खिलाफ? हेलो, आपने कंटिन्यू रखो भैया, माइक छोड़ दो, शेर की दाढ़ ऐसे ही बढ़िया है। हाँ भाई, हेलो, चुप रहिए भाई, कोई काम है क्या आपका? इधर हो। हेलो साकिर, साकिर की लोग साकिर बड़े बड़े हेलो, उसे छोड़ दो, इधर देखो। यहाँ के अधिकारी भी मना कर रहे थे कि हम लाउड स्पीकर की परमिशन नहीं देंगे, कहा उन्होंने हमारे साथियों से। चिंता मत करो, ये परमिशन देने दिलाने का अधिकार भी तुमसे ले लेंगे, चिंता मत करो। कुछ 6 महीने की बात रह गई है, मालिक कभी परमिशन नहीं मांगते। भीम आर्मी के लोगों ने कभी परमिशन नहीं मांगी, अब तो हमने थोड़ा सा सिस्टम में आने का प्रयास किया है, क्योंकि अगर इस गंदगी को साफ करना है तो इस नाले में उतरना पड़ेगा। हम राजनीति में पैसा कमाने नहीं